अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शौकत कियानी और आज मैं आपको विज़िट करवाऊँगा DHA वैली सेक्टर बुगनविलिया का, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाज़रीन, वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर DHA वैली इस्लामाबाद सेक्टर बुगनविलिया, जहाँ पे डेवलपमेंट का काम इंतहाई तेज़ी के साथ इस वक्त हो रहा है, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाज़रीन, ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि जो भी अलॉटी हैं DHA वैली के, वो ये देख सकें कि DHA वैली में इस वक्त जो डेवलपमेंट का काम है वो कितनी तेज़ी के साथ हो रहा है, और ये काम जो है इंशाल्लाह जिस तरह अब ये चल रहा है, जिस स्पीड के साथ यहाँ पर काम चल रहा है, अगर इसी स्पीड के साथ यहाँ पे डेवलपमेंट जारी रहती है तो जो बैलेट सेक्टर हैं DHA वैली के, बुगनविलिया है, ओलेंडर है, लिली है, डेफोडिल है, मैग्नोलिया है, रोज़ है और ब्लू बेल है, यहाँ पे तो काफ़ी काम हो भी चुका है। कुछ सेक्टर हैं जो तकरीबन 50% पहले से डेवलप हैं, कुछ हैं जो 80% पहले से डेवलप हैं। तो मतलब इस तरह से, जैसा कि ये बुगनविलिया सेक्टर है तो ये सेकेंड बैलेट था, तो इसमें तकरीबन डेवलपमेंट शुरू है। इसमें तो अभी कोई ऐसा एरिया नहीं है कि जो 100% तैयार हो चुका हो। सेक्टर बुगनविलिया में इस वक्त जो है वो पूरे सेक्टर बुगनविलिया के ऊपर इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है। मेन बुलेवार्ड जो इसकी है कलर सैदा रोड के ऊपर, वो तकरीबन इस वक्त आधी मेन बुलेवार्ड बन चुकी है। और इससे पहले मैं आपको सेक्टर बुगनविलिया के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 दिखा चुका हूँ। उसमें आपने जो इसकी मेन बुलेवार्ड है, जो कारपेट हुई हुई है, जो उस पर काम हो रहा है, वो आपने देख चुके हैं। अब जो इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये सेक्टर बुगनविलिया का ये वो हिस्सा है कि जो सेक्टर मैग्नोलिया की तरफ है, और अब सेक्टर मैग्नोलिया और सेक्टर बुगनविलिया जो है वो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। और इंशाल्लाह ये जो आप सामने देख रहे हैं, कुछ एरिया डेवलप जो हुआ हुआ है, ये सेक्टर मैग्नोलिया का इलाका है, जो आपको सामने डेवलप एरिया दिखाई दे रहा है। और हम मैग्नोलिया और सेक्टर बुगनविलिया की जो बाउंड्री बनती है, हम इसके करीब हैं और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस वक्त DHA वैली के अंदर काम जो है डेवलपमेंट का, वो इंतहाई तेज़ी के साथ हो रहा है। खुसूसन इस वक्त सेक्टर बुगनविलिया जो है, उस पूरे के पूरे सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं। ये तो इसका एक बिल्कुल एंड वाला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो सेक्टर मैग्नोलिया की तरफ है। इससे पहले जो आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख चुके हैं, उसमें आपने देखा कि वहाँ पे सेक्टर बुगनविलिया में हर तरफ मशीनें काम कर रही हैं, और यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो इंतहाई तेज़ी के साथ इस वक्त हो रही है। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सेक्टर ब्लू बेल जो था, वो भी तकरीबन 80% पहले से डेवलप था। उसका कोई 20% या 30% एरिया है, उसके ऊपर अभी काम हो रहा है। इसी तरह रोज़ का जो 50-60% पहले डेवलप था, अभी जो 50 या 40% एरिया था, उस पर भी डेवलपमेंट हो रही है। इसी तरह ओलेंडर के ऊपर भी डेवलपमेंट हो रही है, जो उसका कुछ एरिया रहता था जो डेवलप नहीं हुआ था। डेफोडिल के ऊपर भी डेवलपमेंट हो रही है, लिली में भी डेवलपमेंट हो रही है, मैग्नोलिया में भी हो रही है। तो इस वक्त DHA वैली में जो डेवलपमेंट का काम है, वो इंतहाई तेज़ी के साथ इस वक्त हो रहा है। जितने भी अलॉटी हैं, वो ये डेवलपमेंट जो हो रही है, इसे देख सकते हैं। इस डेवलपमेंट को देखते हुए हमें ये महसूस होता है कि DHA वैली का तकरीबन आने वाले 2022 के एंड में या 2023 के शुरू में जो एरिया डेवलप होंगे, इसका कब्ज़ा भी दिया जा सकता है। और जो इसके सेक्टर अभी नॉन बैलेट हैं, जो अनडेवलप हैं, फिर उस तरफ जो डेवलपमेंट है वो शिफ्ट हो जाएगी, ये मशीनें उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो DHA वैली में इस वक्त नाज़रीन इंतहाई तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही है, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आपका यहाँ पे कोई प्लॉट है, आप सेल करना चाहते हैं, या यहाँ पे आप प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आपकी